बच्चों, क्या आप कभी किसी बस की यात्रा पे गए हैं? Yes, ma'am. अगर आपकी बस टूटी फूटी हो, बहुत पुरानी हालत में हो, जर्जर हो, तो आपको उसमें यात्रा करने में कैसा अनुभव हुआ होगा? अच्छा नहीं होगा। हमारे जो लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी, वो भी एक बार बस की यात्रा पे गए और उनकी बस जो थी वो बहुत ही बुरी हालत में थी, खस्ता हालत में थी। क्या आप उनके अनुभव जानना पसंद करेंगे? Yes, ma'am. चलिए फिर हम उनके अनुभवों को पता करते हैं कि उनके अनुभव कैसे रहे। आप पढ़िए स्वाति। पार्ट 3, बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना ने इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उबंट पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उसी पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। हाँ, बैठ जाइए। लेखक ने बस को कैसा कहा? वयोवृद्ध कहा। लेखक ने बस को वयोवृद्ध क्यों कहा, कौन बताएगा? आप बताइए अंजलि। लेखक ने बस को वयोवृद्ध इसलिए कहा क्योंकि जिस प्रकार एक वयोवृद्ध के शरीर पर सदियों के अनुभव के निशान होते हैं तथा वो कमजोर नजर आती है, उसी तरह बस के शरीर पर भी सदियों के अनुभव के निशान थे तथा वो कमजोर और ढीली ढाली नजर आ रही थी। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। साथी लेखक ने एक बात और कही कि मैं इस बस पर चढ़ के उसे कष्ट नहीं देना चाहता था। ऐसा लेखक ने क्यों कहा, ये कौन बताएगा? आप बताइए बब्बी। चलिए, बस की हालत बहुत ख़राब थी और लेखक बस में इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि बस को लेखक वयोवृद्ध समझ रहा था। क्योंकि बस को लेखक वयोवृद्ध समझ रहे थे, बैठ जाइए बेटा। कि और वो सोच रहे थे कि मैं इस वृद्धा पे चढ़ के इसकी सवारी करके इसको कष्ट क्यों दूं। ठीक है, आगे चलें। यस मैम। आप पढ़िए बेटा। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा। रंग फकीर आदमी को कुछ करने के लिए एक नियमित चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। काज बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। गजब हो गया, ये बस अपने आप चलती है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा भला, कौन बताएगा? आप बताइए रितिका। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि बस की हालत बहुत बुरी थी और बस पर सदियों पूर्व निशान थे, जिस कारण लेखक को लग रहा होगा कि बस तो बिना धक्के के चल ही नहीं पाएगी। हाँ जी, लेखक को लग रहा था कि बस तो बिना धक्के के चल ही नहीं पाएगी, इसको तो ज़रूर धक्का देकर ही चलाना पड़ेगा। और उसे हैरानी हुई, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। उसके साथ साथ लेखक ने एक और बात कही। लेखक ने कहा, हमारी सीट के नीचे इंजन था। क्यों कहा लेखक ने ऐसा, हमारी सीट के नीचे इंजन रखा था, कौन बताएगा? हाँ, आप बताइए अश्विनी।
लेखक ने ऐसा इसलिए कहा, बस इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उसके अंदर का इंजन इतना हिल रहा था और आवाज़ कर रहा था, जिसकी वजह से सभी लोगों को लग रहा था कि हमारी सीटों के नीचे इंजन है। जी, चारों ओर से इंजन की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कि हमें लगा हमारी सीट के नीचे इंजन है। आगे क्या हुआ उसके लिए पढ़ें। Yes, ma'am. कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए मुस्कान। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे की मुँह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि कहीं बस इससे टकरा ना जाए। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता, झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। बैठ जाइए बेटा। अब लेखक के अनुभव कैसे थे? लेखक ने कहा बस की बॉडी का उसकी सीट के साथ असहयोग चल रहा था। क्यों कहा होगा लेखक ने ऐसा? कौन बताएगा? आप बताइए शिवानी। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बस इस प्रकार हिल रही थी कि मानो बस की बॉडी के साथ सीटों का कोई नाता ही ना हो, और बस के यात्रियों के मन में ऐसा चल रहा था कि बस की बॉडी उन्हें छोड़ के खुद आगे निकल पड़ेगी। जी, बस की बॉडी। बैठ जाइए बेटे। जी, यात्रियों को ऐसा लग रहा था कि जैसे बस की सीट जो है बस को छोड़ के कहीं और चली जाएंगी। इसीलिए लेखक ने कहा कि बस की बॉडी का और बस की सीटों का कोई सहयोग नहीं था, दोनों एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ लेखक ने एक और शंका दोहराई। लेखक ने कहा कि मुझे हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। पेड़ों को दुश्मन क्यों कहा लेखक ने? कौन बताएगा? आप बताइए निशा। बस बहुत हिलते डुलते चल रही थी, कभी सड़क के इस ओर तो कभी उस ओर। ऐसा लग रहा था जैसे बस पर किसी का नियंत्रण ना हो। अब लेखक को ऐसा अनुभव होने लगा जैसे कि सामने आने वाले पेड़ों से अब जाकर टकरा जाएगी। यही कारण था कि लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन मान बैठे। आगे का लेखक का अनुभव कैसा रहा इसके बारे में जाने। Yes, आगे पढ़े। Yes, कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए उपासना। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही।
एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली में लेकर बस में सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहे पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। जी, चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। बैठ जाइए बेटा। लेखक बोलता है, बस ऐसे चल रही थी कि कह रही हो पीछे से आने वाली गाड़ियों से कि आप निकल जाओ, मैं तो नहीं जा सकती। क्यों सोचा होगा लेखक ने ऐसा कि बस ऐसा क्यों कह रही है, बस ऐसा क्यों कह रही है पीछे आने वाली गाड़ियों से कि तुम चली जाओ बेटी, मैं तो नहीं जा सकती। कौन बताएगा, आप बताइए बेटा। बस की हालत इतनी ख़राब थी, वे इतनी धीमे चल रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने पीछे आने वाली गाड़ियों से कह रही हो कि तुम निकल जाओ बेटी, मैं तो अब तेज़ नहीं चल सकती। जी बहुत अच्छा बेटे, बैठ जाओ। बस की हालत ऐसी थी कि वो नई गाड़ियों से कह रही थी कि तुम निकल जाओ, मेरी तो हालत इतनी ख़राब है, मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि मैं तो अधिक तेज़ चल नहीं सकती। लेखक ने कहा कि मैं उस महान व्यक्ति को नमस्कार करता हूँ। महान व्यक्ति बस के हिस्सेदार। क्यों कहा लेखक ने उनको महान व्यक्ति, कौन बताएगा, आप बताइए बेटा। लेखक ने हिस्सेदार को महान आदमी इसलिए कहा क्योंकि हिस्सेदार साहब को पता था कि उसकी बस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वह अपनी जान हथेली में लेकर फिर भी उस बस से सफ़र कर रहे थे और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी कर रहे थे। बहुत अच्छा बेटे, बैठ जाओ। लेखक ने बस के हिस्सेदार को महान आत्मा कहा क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि मेरी बस की हालत कितनी ख़राब है। उसके बावजूद वो उस बस में यात्रा कर रहे थे और साथ ही उसकी तारीफें भी कर रहे थे, इसलिए लेखक ने उस बस के हिस्सेदार को महान आत्मा कहा। लेखक ने एक वाक्य कहा कि मेरी पन्ना जाने की उम्मीद अब ख़त्म हो चुकी थी। क्यों कहा लेखक ने ऐसा कि मेरी पन्ना जाने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, कौन बताएगा, आप बताइए बेटा। मैम, क्योंकि वो बस बहुत धीमे धीमे चलती थी और जगह जगह रुक जाती थी। क्योंकि बस बार बार रुक रही थी, बहुत धीमे धीमे चल रही थी और उसकी हालत देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं भी पहुंच सकती है। तो लेखक ने कहा कि मेरी पन्ना जाने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, कहीं भी जाने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। मैम, एक प्रश्न है। बताइए मैम, एकाएक का क्या मतलब होता है? एकाएक का अर्थ होता है बेटे अचानक। बैठ जाइए। कोई और मुश्किल शब्द, कोई और प्रश्न, आप बताइए। मैम, बियाबान का क्या मतलब होता है? बियाबान का अर्थ होता है बेटे निर्जन स्थान, जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी आबादी ना हो। बैठ जाइए। और कोई प्रश्न, आप बताइए। बताइए बेटा। मैम, अंत्येष्टि का अर्थ क्या होता है? अंत्येष्टि का अर्थ होता है बेटे मृत्यु के बाद जो संस्कार किए जाते हैं, वो सभी कार्य जो हैं अंत्येष्टि के अंतर्गत आते हैं। अंतिम संस्कार हम इसको कह सकते हैं। बैठ जाइए। कोई और प्रश्न, ये बताइए इस पाठ का सबसे अच्छा हिस्सा आपको कौन सा लगा, बताइए। हमें इस पाठ का सबसे अच्छा हिस्सा यह लगा कि जब लेखक ने पहली बार बस को देखा था, बस बहुत वयोवृद्ध थी, इसीलिए लेखक को बस को देखकर श्रद्धा भाव उमड़ पड़ी। जी, बैठ जाइए। जब पहली बार लेखक ने बस को देखा तो बस की हालत देख के उन्होंने कहा
इतनी वृद्धा बस है और मैं इसमें बैठ के इस बस को कष्ट नहीं देना चाहता। उसको देखकर लेखक के मन में श्रद्धा भाव उमड़ पड़े। Thank you.